अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आई विल बी शेयरिंग हाउ आई फिल्म एंड एडिट द वीडियोस फॉर इंस्टाग्राम। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर हो, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू गाइस। मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि आप किस तरह घर पे इजीली वीडियोस शूट कर सकते हो और एआई वॉइस वीडियो में कैसे यूज कर सकते हो, मैं ये भी बताऊंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शूट करने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा फ़ोन। आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा ट्राइपॉड भी ज़रूर होना चाहिए। दिस इज़ माई फेवरेट ट्राइपॉड जो मैंने दराज से ख़रीदा था। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इट्स वेरी नाइस एंड इट्स सुपर अफोर्डेबल। इसकी लेंथ भी भरी हो जाती है और इस पे आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए भी इजीली वीडियो शूट कर सकते हो। सो गाइस, ट्राइपॉड इज़ अ मस्ट, बिकॉज अगर आप एक हाथ में फ़ोन पकड़ते हो और दूसरे हाथ में अपना प्रोडक्ट पकड़ते हो तो आपका हाथ शेक करेगा, जिससे वीडियो सही तरह शूट नहीं होगी। तो ट्राइपॉड पे आपका फ़ोन स्टिल रहेगा और बाकी प्रोडक्ट आप हाथ में पकड़ सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट तो आप एक रिंग लाइट भी खरीद सकते हो अगर आपको लाइटिंग का इशू है। मुझे एज सच इतनी लाइटिंग नहीं चाहिए होती है बिकॉज मेरे कमरे में काफ़ी अच्छी लाइटिंग ऑलरेडी है। मैं एक अच्छी रिंग लाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, जो आप दराज से खरीद सकते हो। फॉर बैकग्राउंड मैंने ये बहुत ही प्यारा रग खरीदा था दराज से। इट्स वेरी नाइस और वाइट कलर अगर आप बैकग्राउंड में यूज़ करते हो तो वीडियोस बहुत ज़्यादा प्यारी बनती है, एस्थेटिक बनती है, और मैं मोस्टली अपनी हर वीडियो में यही रग यूज़ करती हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इसके अलावा मैं अपने रूम का कारपेट भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप रग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपके रूम में जो भी फ्लोर है आप उस पर भी वीडियोज़ बना सकते हो। और मेरे पास एक ये वुडन शीट भी है जिससे अलमारी बनती है, मैं इसको भी बैकग्राउंड पे कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा आप चार्ट पेपर्स भी यूज़ कर सकते हो एंड इवन A4 शीट्स। और मैं अपने रूम की साइड टेबल पर भी शूट कर लेती हूँ। इसके अलावा मेरे रूम में ये बहुत ही प्यारी शेल्स हैं, इसको भी मैं एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर लेती हूँ। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एस्थेटिक बैकग्राउंड। एंड लास्टली, मुझे आउटडोर शूट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आउटडोर में क्या होता है, आपको अलग से लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज डे लाइट इज़ द बेस्ट लाइट, और वीडियोज़ को इतना एडिट भी नहीं करना पड़ता, फिल्टर्स वगैरह नहीं लगाने पड़ते। सो गाइज, अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो आप बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। इस तरह की ट्रेज बहुत प्यारी लगती हैं और आपको ये दराज से इजीली मिल जाएंगी। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। कैंडल्स बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं और कैंडल्स बहुत अफोर्डेबल भी होती हैं। इसके अलावा आप फ्लावर्स, फेरी लाइट्स, लैम्प कुछ भी रख सकते हो बैकग्राउंड पे। स्टार्टिंग में आपके पास जो भी सामान घर पे पड़ा हुआ है आप वही यूज़ करो। स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको प्लेन बैकग्राउंड पसंद है तो फिर आप वो भी रहने दे सकते हो। सो गाइज, अब मैं आपके साथ एक क्विक सेटअप शेयर कर देती हूँ, हाउ यू कैन गो फ्रॉम दिस टू दिस। तो सबसे पहले मैंने एक छोटी सी टेबल रखी, उसके ऊपर मैंने वाइट कलर का रग रख दिया था एंड मेरे पास ये ग्रिड पड़ी हुई थी तो मैंने वो रख दी। अगर आपके पास कोई भी फ्रेम है आप वो रख सकते हो, पेंटिंग है, कुछ भी है आप वो रख लो, नहीं रखना तो आप स्किप भी कर सकते हो। और साथ में मैंने एक प्लांट लगा दिया था एंड लास्ट पे मैंने फेरी लाइट्स ऐड कर दी थी। फेरी लाइट्स बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और ये मेरा क्विक सा छोटा सा सेटअप रेडी हो गया। ये वाइट कलर का रग, ये प्लांट और फेरी लाइट्स मैंने दराज से खरीदे थे, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। सो गाइस, आपके पास घर में अभी जो भी सामान पड़ा हुआ है आप उसकी हेल्प से इस तरह का सेटअप बना सकते हो। और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी हर वीडियोस खुद शूट किया करो। आजकल रील्स इंस्टाग्राम पे और वीडियोस टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। अच्छा सा कंटेंट शूट करो, खुद ही वीडियोस एडिट करो। अगर आपके पास एक अच्छा फ़ोन नहीं है तो एडिटिंग अच्छी सीख लो, और वीडियो शूट करते हुए लाइटिंग पे फोकस करो। प्रोडक्ट ब्लर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड पे ज़्यादा फोकस ना चला जाए। आप एक रिंग लाइट में इन्वेस्ट कर लो या फिर नेचुरल लाइट यूज़ कर लो, सनलाइट इज़ द बेस्ट लाइट। वीडियो को एडिट करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ इनशॉट ऐप। इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है, सब कुछ बहुत सिंपल और ईजी सा है। आप कोई भी ट्रांजिशन लगा सकते हो, सॉन्ग भी ऐड कर सकते हो,
और जो आपने साउंड को स्क्रीन रिकॉर्ड किया होता है आप वो भी ऐड कर सकते हो इजीली। काफ़ी ऑप्शंस फ्री हैं, टेक्स्ट की ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। यूट्यूब पे आपको इसके बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप AI वॉइस अपनी वीडियोस में कैसे ऐड कर सकते हो। वेल गाइस, अगर आप मेरी YouTube शॉर्ट्स देखते हो तो मैं अपनी मोस्टली हर वीडियो में AI वॉइस यूज़ करती हूँ। आपके साथ मैं एक ऐप और एक वेबसाइट शेयर करूँगी जो दोनों फ्री हैं और आप इजीली AI वॉइस उसमें से यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 इज़ TikTok। TikTok ऐप में ये ऑप्शन अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन सबको नज़र नहीं आती, किसी को शो होती और किसी को शो नहीं होती। Hi guys, don't forget to subscribe. Well guys, मुझे तो शो होती है और मैं यही यूज़ करती हूँ। इसको यूज़ करने के लिए मैं कोई भी इमेज इंसर्ट कर देती हूँ और उसमें जो भी मैंने वॉइस ओवर करना होता है वो मैं टेक्स्ट लिख देती हूँ। फिर जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो ऊपर टेक्स्ट टू स्पीच की ऑप्शन आती है, उसको आप क्लिक करोगे तो जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो AI वॉइस ओवर कर देगी उसका। Hi guys, don't forget to subscribe. और इसी साउंड को फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके इनशॉट ऐप में ऐड कर देती हूँ। TikTok में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगी फीमेल और मेल वॉइस की, बट अगर आपको ये फीचर नज़र नहीं आता तो फिर आप एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। वेबसाइट का नाम है 11 Labs। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हो तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा वॉइसेस की ऑप्शंस मिल जाती है फीमेल प्लस मेल। इसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, आपने यहाँ टेक्स्ट ऐड कर देना है जो भी आप वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन आपने कोई भी वॉइस सेलेक्ट करनी है और फिर आपका जो टेक्स्ट होगा वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। Hi guys, don't forget to subscribe. आप चाहो तो वॉइस को डाउनलोड कर लो, यहाँ पर मैं तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर मैं इन शॉर्ट में इसको ऐड कर लेती हूँ। सो गाइज, इट्स वेरी ईजी। स्टार्टिंग में शायद आपको मुश्किल लगे, बट ये इतना मुश्किल नहीं है। सो गाइज, दैट्स इट। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर सच वीडियोज़ देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।